छः महीने के दिन और छः महीने की रातें। जी हाँ, आपने भी इस बारे में सुना होगा कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ छः महीने के दिन और छः महीने की रातें होती हैं। पर आखिर ऐसा होता कैसे है? तो आज के वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझेंगे कि छः महीने के दिन और छः महीने की रातें कैसे होती हैं। तो देखते रहिए हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। ग्रीनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, अलास्का, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह दिन और रात काफी बड़े बड़े होते हैं। तो हम स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे हमें जो मॉडल दिखाई दे रहा है ये सन और पृथ्वी को समझने के लिए है। ये पृथ्वी है और सन के चारों तरफ घूम रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो आपको दिखेगा ये जो धरती है ये इस तरह से सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। यानी हमारी पृथ्वी का एक साल पूरा हो जाता है अगर हमारी पृथ्वी इस सूरज के एक चक्कर को पूरा कर लेती है। अब अगर हम इस पृथ्वी को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धरती एक तरफ को झुकी हुई है, यानी कि इस लाइन को आप देख सकते हैं कि तिरछी है। तो मैं इसे फिलहाल थोड़ी देर के लिए सीधा कर देता हूँ। हालांकि हमारी पृथ्वी एक्चुअल में तिरछी ही है, यानी कि एक तरफ को झुकी हुई है, लेकिन मैं इसके घुमाव को सीधा कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ का, यहाँ पर दिन है और इस वाले हिस्से में अभी इस वक्त रात हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडिया है यानी भारत, भारत के गुजरात वाले साइड में अभी शाम हुई है और बाकी हिस्से में रात हो चुकी है। ओके, तो जब यहाँ पर ये पृथ्वी गोल गोल घूमती है तो दिन वाले हिस्से से रात वाले हिस्से की तरफ ये चलती रहती है। अगर हमारी पृथ्वी इस तरह घूमती जैसा कि आप अभी देख रहे हैं तो जो हिस्सा इस वक्त दिन के उजाले में है थोड़ी देर बाद वो रात में चला जाएगा और रात के बाद वो फिर से दिन में चला जाएगा। अगर आप यहाँ किनारे पर देखें ये सारे हिस्से जो इस वक्त दिन में हैं फिर रात में चले जाते हैं, फिर दिन में, फिर रात में, इसी तरह से नीचे की तरफ भी होता है, यानी कि यहाँ पर भी। इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी गोल घूमती है और दिन और रात किस तरह से होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी पृथ्वी इस तरह से सीधी नहीं है। मतलब कि इसके घूमने का ये जो अक्ष आप देख रहे हैं, ये जो पोल आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह सीधा नहीं है बल्कि ये एक तरफ को झुका हुआ है। इसके झुकने का जो एंगल है वो है 23.5। तो मैं इसे 23.5 यानी कि 23.5 के एंगल में झुका रहा हूँ। अब ये पृथ्वी इस तरह घूमेगी। ओके, तो आप देखेंगे कि दिन और रात तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आपने इस बात को गौर किया कि अभी जो रात के लिए ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन का ऊपरी सिरा और अंतिम सिरा यहाँ पर है। ओके, तो इस पोल और साथ में इस लाइन को लेकर हमने एक सर्कल बना दिया है। ठीक ऐसा ही हमने नीचे की तरफ किया है, जहाँ तक रात हो रही है वहाँ से लेके और ये सर्कल बना दिया है। तो आप एक बात को गौर कीजिए कि इस पोल में कभी रात नहीं हो रही है, चाहे ये कितनी भी बार घूम गया लेकिन एक भी बार यहाँ पर रात नहीं हुई। आपने गौर किया होगा इस बात को। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे के हिस्से में देखते हैं। नीचे के हिस्से में जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि इस पूरे हिस्से में हमेशा ही रात रह रही है, बाकी हिस्से में दिन और रात चल रहा है, लेकिन ये ऊपर वाले सर्कल में और नीचे वाले सर्कल में हमेशा एक जैसा ही मौसम है। यानी कि यहाँ पर है अभी दिन और यहाँ पर है रात। ऊपरी इलाका यानी ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे का ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो इसे मैं दोबारा से रीसेट करके फिर से चला रहा हूँ। हम यहाँ पास से देखेंगे, अगर हम इस चीज़ को गौर करें या फिर यहाँ पे हम किसी एक हिस्से को देखें, ये हिस्से को हम देख रहे हैं, ये नॉर्वे है जो कि बड़ी बड़ी दिन और रातों के लिए मशहूर है। तो जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि ये इलाका हमेशा ही धूप में रहता है, यानी ये कभी अंधेरे वाली तरफ जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे बड़े से भाग में हमेशा ही दिन है और इसी तरह नीचे इस बड़े से भाग में रात है और ये रात बस कंटिन्यू चलती ही जा रही है। ओके, तो ऐसा कब तक होगा? क्या यहाँ हमेशा ही दिन रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये पूरा चक्कर जो है वो एक साल के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से ये साल स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इस जगह पर 6 महीने बीत जाते हैं। मतलब कि यहाँ से पृथ्वी चलते हुए जब यहाँ तक पहुँचेगी तो
छः महीने बीत जाएंगे, फिर से जब वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर अगले 6 महीने बीत देंगे, ओके। तो आप एक चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, आपको अभी ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि दिन और रात कब बदलने वाले हैं। यहाँ पर इस पूरे के पूरे सर्कल में दिन है, ओके। जब पृथ्वी आगे की तरफ बढ़ रही है तो आप देखेंगे कि अभी भी वहाँ दिन है, लेकिन अब जब ये आधा साल यानी कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब यहाँ रात आ चुकी है और निचला हिस्सा, अब आप देखेंगे यहाँ दिन आ गया, ठीक है। तो धरती के इस तरह तिरछा रोटेट होने की वजह से, मतलब कि इसके अक्ष में 23.5 डिग्री का जो एंगल बना है, उसकी वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि कुछ जगहों पर 6-6 महीने तक दिन और रात होती है और बाकी जगहों पर नहीं होती। आप देखेंगे कि यहाँ पर रात है और जब ये हिस्सा इधर आगे को बढ़ता है, आप देखेंगे कुछ कुछ जगहों पर अब धूप आनी शुरू हो गई है, ठीक है। और जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ अपने शुरुआती स्थान पर पहुँचेगा तो पूरी तरह ये दिन के उजाले से भर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर बहुत लंबी लंबे दिन और लंबी लंबी रातों वाला मौसम शुरू हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप इस पोल के करीब में रहते हैं, यानी आपका घर अगर इस पोल के आसपास है, तो आपको बहुत लंबे समय तक दिन और बहुत बड़ी बड़ी रातें देखने को मिलेंगी। लेकिन आप अगर इससे थोड़ा दूरी पर रहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अंधेरा यानी कि रात देखने को मिल सकती है, लेकिन वो रातें बहुत छोटी होंगी और दिन काफ़ी बड़े। तो इसको समझने के लिए आप ज़रा यहाँ गौर कीजिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के बाहर सभी देशों में दिन और रात ठीक से चलती है, मतलब कि सामान्य तौर से जैसा कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं, वैसा ही चलता है बाकी जगहों पर। लेकिन इस सर्कल के अंदर आने वाला हिस्सा और इस सर्कल के अंदर आने वाला हिस्सा ही एक ऐसी जगह है जहां पर दिन और रात में इतने बड़े बदलाव होते हैं, ओके। तो यहाँ इस पोल के पास अगर आपका घर है तो आप यहाँ पर बड़ी रातें और बड़े दिन को महसूस कर सकते हैं, और इससे जितना दूर जाते जाएंगे, जितना दूर आपका घर होगा, तो आपको उतने ही कम डिफरेंस दिखाई देगा, मतलब कि इस जगहों पर भी दिन और रात लंबे होते हैं, लेकिन ये फ़र्क 6-6 महीने का नहीं होता। यहाँ पर 6 महीने के दिन और रात होते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने। तो इस तरह से ये जो है दिन अंदर की तरफ में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है और बाहर की तरफ में जो डिफरेंस है ये कम होता जाता है, ओके। तो इस छोटे से मॉडल से हमने ये बहुत आसानी से समझ लिया है कि किस तरह से 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें हो सकती हैं अगर धरती एक तरफ को झुके हुए रोटेशन के साथ घूमे। तो अब आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा कि कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको कोई सवाल पूछना है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस भविष्य में देखना चाहते हैं।